आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग का श्लोक 16 देखते हैं। पहला चरण चतुर, र आधा है, तू के साथ बोलेंगे चतुर। अब आधे र के बाद में विधा, ये आधा र और वी कैसा है इसको आप राइट साइड में देखेंगे। ऊपर जब भी मात्रा होती है, ये वाली मात्रा इस पूरे श्लोक में काफी जगह पे यूज आएगी। ऊपर जब भी ये मात्रा होती है इसको अपन पढ़ते हैं आधा र और बचा अक्षर क्या है वी, तो इसलिए ये आधा र और वी बना है। इसको क्या बोलेंगे चतुर्विधा। भ में अमिक्स करेंगे ज के साथ आधा न, भजन्ते माँ के ऊपर है अनुस्वार, माँ नहीं पढ़ना है, हिंदी वाला माँ नहीं है, माँ के ऊपर अनुस्वार है माम माम। पहला चरण रिपीट चतुर्विधा भजन्ति माम। दूसरा चरण जनाह, ज ना आ की मात्रा है इसलिए विसर्ग को पढ़ रहे हैं हा, जनाह। सु क्री, क्री का अर्थ हुआ क आधा और नीचे ये जो मात्रा है ये री से ऋषिकेश को पढ़ेंगे क्री। सुकृतिनो फिर है अवग्रह, अवग्रह के बाद में जू और इसमें मात्रा है, तो आप पहले इस चीज को देखें कि उसके ऊपर जो मात्रा होती है वो क्या होता है आधा र और फिर जू, ठीक है। तो नो के बाद में जो अवग्रह उसके कारण अपन नो को क्या करेंगे लंबा खींचेंगे, मतलब इसको उच्चारण में अधिक समय देंगे। लंबा खींचते हुए ही आपको जो आधा र दिख रहा है उसको इसके साथ पढ़ना है सुकृति नोर, सुकृति नोर जूना, राइट। वापस एक बार इस शब्द का बता रही हूँ कि इस पे जू पे जो मात्रा आधा र वो नो को खींचते हुए ही आधा र इसके साथ पढ़ा लिया जाएगा, बचा क्या जू और पूरा न जुन, ठीक है। दूसरा चरण रिपीट करते हैं जनाह सुकृति नोर जुना, पहला और दूसरा चरण साथ में चतुर्विधा भजन्ति माम, जनाह सुकृति नोर्जुना। तीसरा चरण आर तो के ऊपर जो मात्रा है वो है आधार और तो आ के साथ आधे र को पढ़ेंगे आर तो। जिज्ञासु र एक पूरा है एक र के नीचे हलंत है, ध्यान दीजिएगा जिज्ञासु रर रर जिज्ञासु रर थार्थी, जिज्ञासु रर थार्थी, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे इसको आर तो जिज्ञासु रर थार्थी, ये सब मात्राएं जो ऊपर है ये आधा र है, था किस बाद आधा र थार्थी, यहां पर भी इधर था पे था तो आधे र को र के साथ पढ़ लिया रर जिज्ञासु रर थार्थी। चौथा चरण ज्ञानी, नी की मात्रा बड़ा बोलेंगे ज्ञानी, च में अमिक्स करेंगे च, भरत भर भर र पूरा है भर, त के बाद में श पर जो मात्रा है वो क्या हो गया आधा र, ठीक है। तो आधे र को त के साथ पढ़ो भरतर भरतर श भ। चौथा चरण रिपीट ज्ञानी च भरत शभ, तीसरा और चौथा चरण साथ में आर तो जिज्ञासु रर्थार्थी, ज्ञानी च भरत शभ। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ चतुर्विधा भजन्ति माम, जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरत शभ। वन मोर टाइम चतुर्विधा भजन्ति माम, जनाः सुकृति नोर नोर सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरत शभ। श्लोक का अर्थ,
भरतर्षभ यानी ही भरतवंशी अर्जुन चतुर्विधा चार प्रकार के भजन्ति माम मुझको भजते हैं जनाः लोक सुकृतिनो अर्जुन। हमने इससे पिछले वाले श्लोक में देखा था न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः जो पाप कर्म करने वाले, देखा था उसमें। यहाँ पर शब्द है सुकृतिनो, सुकल अर्थ हो गई मतलब दुष्कर्म का ये परि विलोम है सॉरी। तो सुकृति नोर्जुन कृति यानी कर्म, सु यानी अच्छे कर्म। तो कृति नोर्जुन अर्जुन जो अच्छे कर्म करने वाले लोग जो चार प्रकार से मुझे भजते हैं वो कौन कौन है? आर्तो अर्थ जो दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करता है। किसी कई बार हम लोग जब परेशानी में फंस जाते हैं हमें केवल एक ही सहारा दिखता है वो है आर्तो। आप सभी के पास में साधक संजीवनी है, इस श्लोक का अर्थ जरूर से साधक संजीवनी में पढ़ना चाहिए। उसमें चारों की डेफिनेशन इतनी क्लियर और इतने अच्छे एग्जाम्पल्स की थ्रू सिखा गई है, बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसका। साधक संजीवनी में जरूर से श्लोक का अर्थ देखें। आर्तो जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी जिसके जानने की इच्छा है, किसको? परमात्मा को। रर्थार्थी, ये अ र के अंदर अ मिक्स किया तो अर्थार्थी यानी जो अर्थ इकट्ठा करने के लिए, अर्थ को अर्जित करने के लिए, अर्थ की इच्छा से। अर्थ यानी धन, धन की इच्छा वाले को अपन अर्थार्थी कहते हैं। आप कुछ चीज मांगने के लिए, लेकिन आप मांगने के लिए किसके शरण में जा रहे हो? भगवान। कुछ लोग केवल धन पैसा भोग में इतने फंसे रहते कि वो भगवान को याद भी नहीं करते, लेकिन भगवान ने उनको भी अच्छे कर्म करने वाला कहा है जो धन की इच्छा से, लेकिन कम से कम भगवान को भज तो रहे हैं। और ज्ञानी चौथे नंबर जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसे हम भगवान के भक्त भी कहते हैं, च और भगवान ने बोला ही भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन पवित्र कर्म करने वालों में अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ ही मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। नारायण नारायण।